आप भी इस तरह की वीडियो बनना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले आपको इस वीडियो को बनाने के लिए अलर्ट मोशन को ओपन करना है, फिर इस प्लस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर 9:16 रेशो को सेलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। फिर फ्लॉक्स आइकन पर जाना है, फिर आपको वो सॉन्ग सेलेक्ट कर लेना है जिस सॉन्ग का आपको स्टेटस बनाना है। उसके बाद आपको लिरिक्स सुन लेनी है, फिर आपको यहाँ पे जाना है, फिर आपको यहाँ ऐड टेक्स्ट में जाना है और आपको अपने लिरिक्स लिख लेनी है। यहाँ से फोन सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे इसको साइज बढ़ा लेना है, फिर यहाँ पे इसको वाइट कलर कर देते हैं। इसके बाद आपको ऐड इफेक्ट में जाना है और यहाँ पे ये क्लिप लेयर वाला इफेक्ट सर्च कर लेना है। तो एक फ्लो साइकन यहाँ पे दीजिए, एक फ्लो साइकन यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो सबसे पहले फ्लो साइकन पे आना है, आप उसको +90 कर देना है। फिर लास्ट वाले पे आना है, इसको आपको -90 कर देना है। यहाँ पे आपको ग्राफ बना देना है कुछ इस तरह, इस साइड भी आपको एक्सिस में जाना है, आपको एक्सिस 5 × +90° रखना है। ये फिर कुछ इस तरह लगेगा, जहाँ पे आप लिरिक्स खत्म हुए आपको इसको वहाँ से कट कर लेना है। यहाँ पे मेरी लिरिक्स खत्म होती है तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। फिर आपको इसको यहाँ का कॉपी लेयर कर लेना है, यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है। फिर आपको अपनी दूसरी लिरिक्स सुन के दूसरी लिरिक्स लिख लेनी है। इसी तरह आपको अपनी सारी लिरिक्स लिख लेनी है। गाइस मैंने लिरिक्स लिख ली है, फिर आपकी जहाँ लिरिक्स खत्म होती है आपको वहाँ पे आना है, आपको यहाँ पे फ्लो साइकन पे जाना है, आपको जोन सी इमेज चाहिए आपको वो इमेज ले लेनी है, आपको इसको एंड तक कर देना है। फिर इफेक्ट में जाना है, एंड इफेक्ट में जाना है, आपको ये स्विंग वाला इफेक्ट ले लेना है। इसकी फ्रिक्वेंसी आपको 50 रख लेनी है, 0.50। एंगल में आपको उसको -3 रख लेना है। एंगल तो आपको +3 रख लेना है। इसका फेस आपको 90 के आसपास रख लेना है, कुछ इस तरह लगेगा। फिर आपको एड इफेक्ट में जाना है और यहाँ से आपको उस लाइट वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फ्रिक्वेंसी आपको एंगल तो आपको 45 रहने देना, इसकी फ्रिक्वेंसी आपको रख लेनी है 1.91। आपको एक प्लस आइकन देना है, एक प्लस आइकन यहाँ पे देना है, फर्स्ट वाले पे आना है, आपको इसको 250 के आसपास रख लेना है, सेकंड वाले को 10 के आस रख लेना है। वहाँ पर आपको एक ग्राफ बनाना है इस तरह, कुछ ये इस तरह लगेगा। आपको इसको जूम कर लेना है, फिर आपको फ्लो साइकिल पे जाना है और टेक्स्ट में जाना है। यहाँ पे आपको लिरिक्स लिख लेनी है, जो लिरिक्स है
यहाँ पे आपको उसका साइज बढ़ा लेना है, यहाँ पर फॉन्ट चूज कर लेना है। इस फॉन्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको उसको यहाँ पे लाना है, इसमें क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है, आपको एक फ्लो साइकिल यहाँ पे देना है, एक फ्लो साइकिल यहाँ पे और एक यहाँ पे, पहले वाले पे आना है, इसको आपको बिल्कुल नीचे कर देना है और लास्ट वाले को बिल्कुल कर देना है। आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना है, इसके बाद आपको भाई एड इफेक्ट में जाना है और ये मोशन ब्लर वाला इफेक्ट ले लेना है। ये कुछ इस तरह लगेगा। वहाँ से आपको एड टेक्स्ट में जाना है और आपको इमोजी ले लेनी है। इमोजी में यहाँ पे एक फ्लो साइकिल देना है, मूव ऑन ट्रांस में जाके इस वाले रहना है, इसको आपको अप कर देना है पूरा। इसको आपको डाउन कर देना है, आपको ग्राफ बनाना है। इसमें आपको मोशन ब्लर वाला इफेक्ट देना है, ये कुछ इस तरह लगेगा। आपको इस फोटो में भी इसी तरह मोशन ब्लर वाला इफेक्ट देना है, इसको आपको 170 के आसपास रख लेना है। इसके बाद आपको इसी तरह अपनी सारी इमेज लिख लेनी है। सारी लिरिक्स लिख लेने के बाद गाइस आपको क्लोज सेकंड में जाना है, वीडियो में जाना है, आपको ब्लेंडिंग में जाना है, लाइटिंग में जाना है और आपका इसको स्क्रीन कर लेना है। यहाँ से आपको सब बिल्कुल बंद कर देना है। गाइस कुछ इस तरह देखना, यहाँ से आपको इसको बिल्कुल कट कर लेना है और इसको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।